नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है कार पॉइंट, और मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, जैसा कि मैं ऑल्टो K10 का एक रिव्यू आपको पहले भी दे चुका हूं, और काफ़ी समय के बाद मैंने सोचा जो लोग नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए ऑल्टो K10 कैसे एक अच्छी गाड़ी साबित होगी। जो लोग 800 और 1000 CC की गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो मार्केट में हर कंपनी की 800 1000 CC की गाड़ी उपलब्ध है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गाड़ी अभी चल रही है मार्केट में वो है ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 और रेनॉल्ट की क्विड। तो मैं आपको रेनॉल्ट क्विड और ऑल्टो K10 के बारे में बताने जाऊंगा कि K10 रेनॉल्ट क्विड से कैसे बेहतर है और क्या चीज़ इसमें रेनॉल्ट क्विड से बेहतर है। तो इस तरह मैंने 15 पॉइंट ढूंढे हैं, पॉइंट तो बहुत ज़्यादा, जो मेन मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जो 15 पॉइंट है रेनो क्विड से, इसमें जो इस गाड़ी को रेनो क्विड से अलग बनाती है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इसका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी रेनो क्विड से बहुत बेहतर है। जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत ही शानदार है। सबसे सभी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह वेल फिनिश्ड फिट की गई हैं, चाहे वो बाहर की कुछ भी पैनल हो या बम्पर के बीच में जो गैप हो, सभी जगह सामान मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कहीं से बम्पर उठ रहा है या कहीं से झुक रहा है, सभी जगह से सामान ही गैप मिलेगा। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी जो भी मटेरियल यूज किया गया है, जो डैशबोर्ड में प्लास्टिक यूज़ किया गया है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है ऑल्टो K10 की रेनो क्विड के मुकाबले। तो ये जो हो गया पहला पॉइंट। दूसरी बात करें तो इसका जो आपको ये बात जो हर किसी को नहीं पता होगी मैं बताता हूँ आपको, ये जो रेनो क्विड है उसका वजन ऑल्टो K10 के मुकाबले 106 किलो कम है। यानी कि 106 किलो वजन ऑल्टो K10 का ज़्यादा है, जबकि साइज में दिखने में रेनो क्विड इससे बड़ी गाड़ी लगती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और रेनो क्विड की बिल्ड क्वालिटी में कितना अंतर है। 106 किलो वजन बहुत होता है, जबकि दिखने में ऑल्टो K10 रेनो क्विड से छोटी दिखती है। तीसरी खूबी है इसका इंजन परफॉर्मेंस। इंजन परफॉर्मेंस ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंजन परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का। रेनो क्विड के मुकाबले इसका इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। चौथी है जो मेरे को सबसे बड़ी रेनो क्विड की कमी लगी है वो है इसका इंजन चैम्बर। दोस्तों, इंजन चैम्बर क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो ये इंजन का चैम्बर है। रेनो क्विड में ये प्लास्टिक का दिया गया है। ये अगर प्लास्टिक का होगा तो उसका क्या घाटा है? उसका घाटा ये है कि अगर आप गाड़ी ऑफ रोड में लेके जाते हो तो अगर ये किसी चीज़ से टकराती है नीचे से तो प्लास्टिक का इंजन चैम्बर टूट जाता है, टूट सकता है या टूट जाता है। 2-3 केस मैंने ऐसे देखे हैं, वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें रेनो क्विड का इंजन चैम्बर टूट गया है। और रेनो क्विड के जो इंजन के बहुत से पार्ट्स हैं वो भी प्लास्टिक के ही बनाए गए हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो प्लास्टिक एल्यूमिनियम के मुकाबले ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। तो कॉस्ट कटिंग के लिए रेनॉल्ट ने क्या किया है, बहुत सी चीज़ों को प्लास्टिक का बना दिया, एल्यूमिनियम या आयरन का की जगह। पाँचवा जो पॉइंट है वो इसका माइलेज। 1000 CC की होने के बाद भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट माइलेज देती है। अपने सेगमेंट में क्या, ये तो 1000 CC की कोई भी गाड़ी ले लो आप, उसमें सबसे बेस्ट माइलेज इसी कार का है। ठीक है, छठवा है केबिन नॉइज। इस गाड़ी में आपको केबिन की जो नॉइज़ है जब आप गाड़ी चलाओगे तो खुद ही महसूस होगी, केबिन नॉइज़ जो है ना वो काफ़ी कम है और इंजन नॉइज़ भी काफ़ी कम है। इंजन नॉइज़ का तो बहुत बड़ा अंतर है रेनो क्विड और इसके बीच में। और अगर आगे की खूबी बात की जाए, जो जो इसकी सातवीं खूबी है वो है इसकी टॉप स्पीड।
टॉप स्पीड आपको इसकी रेनो क्विड के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी और पिकअप भी इसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 8B की खूबी की। 8B खूबी मैं बताता हूँ आपको, वो है इसके टायर साइज। जो इसका टायर साइज है वो 13 इंच का मिलेगा, टायर का साइज है 13 इंच का और रेनो क्विड में आपको मिलेगा 12 इंच का। ठीक है, और जो नबी इसकी खूबी है और रेनो क्विड की जो कमी है वो है इसके अंदर जो बोल्ट होते हैं वो 4 मिलेंगे आपको, जबकि रेनो क्विड में 3 मिलेंगे। मान लीजिए कभी आपका एक आध बोल्ट स्लिप हो जाता है तो गाड़ी 2 नट पे ही चलाना पड़ेगी आपको रेनो क्विड में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर स्लिप होता भी है, आप ज़्यादा टाइट कर देते हो या आपकी गलती से कैसे भी ख़राब हो जाए, तो कम से कम 3 नट तो कम से कम सलामत रहेंगे टायर को थामने के लिए। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी 10वीं खूबी की। तो 10वीं खूबी इसमें है, मैं दिखाता हूँ आपको इसकी हेडलाइट। हेडलाइट का फोकस काफ़ी ज़बरदस्त है। रात में आपको ड्राइव करने में ये गाड़ी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जबकि रेनो क्विड का फोकस इतना अच्छा नहीं है, लॉन्ग फोकस नहीं है। इस गाड़ी का फोकस काफ़ी अच्छा है, हेडलाइट काफ़ी अच्छी हैं। मैंने इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैंप भी लगवा रखे हैं, आपको दिखाऊं जो मैंने बाहर से लगवाए हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी 11वीं खूबी, वो है इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी। हाई स्पीड में ये गाड़ी 100 से ऊपर 120 कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल स्टेबल एकदम बढ़िया चलती है, बढ़िया हैंडलिंग है इस गाड़ी की। लेकिन रेनो क्विड में आप 80 से ऊपर जैसे ही गाड़ी ले जाओगे वैसे ही गाड़ी लहराने लगती है, स्टेयरिंग काफ़ी वाइब्रेशन होने लगते है, स्टेयरिंग में काफ़ी वाइब्रेशन होने लगता है, हिलने लगता है इस तरह से। लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी 12वीं खूबी की। तो 12वीं खूबी क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये जो इसके साइड मिरर हैं, रियर व्यू मिरर, वो आप चलती गाड़ी में ग्लास अगर आपका विंडो का बंद है तो भी अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, रेनो क्विड में ये सुविधा नहीं मिलेगी। मान लो आपका गाड़ी का एसी ऑन है और आपको मिरर एडजस्ट करना है तो आपको कांच खोलना पड़ेगा रेनो क्विड में, इसमें ऐसा नहीं है, विंडो कांच खोले बिना ही अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो इसका गाड़ी का सस्पेंशन, सस्पेंशन मैं दिखाता हूँ। इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत बढ़िया है रेनो क्विड के मुकाबले। इस गाड़ी को मैंने ज़्यादातर विलेज एरिया में, गांव देहातों में ही काफ़ी चलाया है, तो मेरे को सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आई है। इसका सस्पेंशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंशन है। मैं आपको पीछे का सस्पेंशन सिस्टम भी दिखाता हूँ इसका, अगर आप देख सको तो। देखिए स्प्रिंग लोडेड है और सोकर भी लगे हुए हैं, और इसका सस्पेंशन इतना अच्छा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और जो आगे की बात करूं मैं इसमें, तो सबसे बड़ी बात है इसका सर्विस नेटवर्क। मारुति सुजुकी का जो सर्विस नेटवर्क है वो इंडिया का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है और कारों के कंपनियों के मुकाबले। रेनॉल्ट तो इससे काफ़ी पीछे है, हालांकि शहर में आपको, सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली रेनो क्विड में, लेकिन रूरल एरिया में आपको सर्विस नेटवर्क की दिक्कत आएगी रेनो क्विड के साथ। और 15वीं खूबी की बात करें तो वो है इसकी रीसेल वैल्यू। रेनो क्विड के मुकाबले इसकी रीसेल वैल्यू बेहतर है और ये गाड़ी तुरंत बिक सकती है। और भी कई खूबियाँ हैं, ये मैंने जो मोटी मोटी 15 खूबियाँ निकाली इस गाड़ी की वो वीडियो था, बनाया था मैंने, जो आपके सामने पेश किया है। और भी काफ़ी खूबियाँ हैं इस गाड़ी में, जैसे कि रेनो क्विड का रिवर्स गियर। रिवर्स गियर क्या, रिवर्स गियर में आपको यहाँ पर पहला गियर लगता है, मारुति की गाड़ी की जो भी इंडियन कार होती हैं पहला गियर लगता है वहाँ पर उसका, रेनो क्विड में क्या होता है ये चीज़ ऐसे ऊपर करके इसको ऐसे करके रिवर्स गियर डालना पड़ेगा, जबकि इसमें रिवर्स गियर 5 गियर के नीचे होते हैं, 5th गियर के नीचे होता है।
और भी चीज़ें हैं, इंजन नॉइज़ ज़्यादा है इसके मुकाबले, ऑल्टो के टेन के मुकाबले, रेनो क्विड में पिकअप भी काफ़ी कम है ऑल्टो के टेन के मुकाबले। और जो प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, वाटर लीकेज हो जाता था, अंदर बाहर पानी आ जाता बारिश में, वो भी प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम और नज़र आती है मुझे जो मैं बताता हूँ, वो है रेनो क्विड में सिंगल वाइपर का होना, जबकि इसमें आपको डबल वाइपर मिलेंगे, कि ये और एक ये। और सिंगल वाइपर से आपको दिक्कत क्या है, जिस तरह से ये इस तरह से वाइपर उठ जाते हैं दोनों, रेनो क्विड के वाइपर ऐसे नहीं उठ सकते क्योंकि उसका बोनट टकराने लग जाता है। बोनट टकराएगा तो फिर आप इसको उठा के सफाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो कुछ खास चीज़ें थी इस गाड़ी की, वो मैंने आपके सामने पेश की है, और मैं आगे से भी आपको अब कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। तो कृपया लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।